नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैनिक राशिफल 28, 29 और 30 नवंबर के लिए। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी आठवीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस 28 नवंबर के दिन आप दो तरह की योजनाओं में या दो तरह की समस्याओं में या दो तरह की सिचुएशन में फंसेंगे। आपके सामने ऐसे कोई दो रास्ते आएंगे जिनमें से एक को चुनना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। चुनने का आसान तरीका बता देता हूँ, जहाँ आपका फ़ायदा हो वहीं जाइएगा। आप 28 नवंबर को अपने बेनिफिट के बारे में जितना ज़्यादा पैशनेटली अग्रेसिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ और गेन करेंगे। 28 नवंबर के दिन अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते थे तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत करें, आपका बॉन्डिंग, आपका एक रिलेशन बनने की पूरी संभावना है। अगर धन का कोई नया स्रोत आप खोज रहे थे तो 28 नवंबर को उस स्रोत को खोज लेने की भी संभावनाएँ बनी हैं। 29 नवंबर को आप फिर से एक बार दो धारी समस्या में फंसेंगे, लेकिन इस बार आपको चुनाव जरूर करना होगा। इस बार चुनाव सही का करिएगा, गलत का मत करिएगा, स्वार्थी मत बनिएगा। अगर कहीं सही बात है और वहां आपका फ़ायदा नहीं हो रहा तो भी आप वहीं जाइए और उसी चीज़ को चुनने की कोशिश करिए जो सही है, क्योंकि सत्य का साथ देने का फल आपको बाद में मिलेगा जो आपके लिए बड़ा बेनिफिट करेगा। 30 नवंबर के दिन आप ईश्वर से थोड़ा नाराज रहेंगे। आपको लगेगा कि ईश्वर ने आपको इतनी चीज़ें दी हैं लेकिन वो नहीं दी जो आप मांग रहे थे। जिस चीज़ को आप चाह रहे थे वो नहीं मिली और उसे छोड़कर सब कुछ दिया है। तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि ईश्वर उन चीज़ों को नहीं देते जो आप मांगते हैं, ईश्वर उन चीज़ों को देते हैं जिनकी ज़रूरत आपको है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोचते हैं और वे आपकी। आपकी सोच छोटी और तुच्छ है जबकि उनकी सोच बड़ी और वृहद है, विशाल है। इसलिए अपने अंदर समर्पण का भाव रखने की कोशिश करें और ईश्वर के साथ जद्दोजहद ना करें। समाज में भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि उस सम्मान के पात्र आप हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला, तो आपका आग्रह, आपका ये सोचना कि आप एक सम्मान के पात्र हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला, ये बताता है कि आप उस सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि अगर आप मांग करके सम्मान ले रहे हैं तो आप उसके अधिकारी नहीं हो सकते। प्रेम संबंधों के लिए तीनों दिन अच्छे हैं और व्यापार के लिए भी तीनों दिन अच्छे हैं। अच्छे से इन तीनों दिन को एंजॉय करिएगा, किसी प्रकार की ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 28, 29 और 30 नवंबर के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।